टॉकिंग सेशन। आज हमको जो बात करने के लिए परमेश्वर के साथ बात करने के लिए आज जो विषय हमको दिया गया है वो द ओनली ट्रू एंड वाइज गॉड, केवल एकमात्र सच्चा और बुद्धिमानी परमेश्वर। द ओनली ट्रू एंड वाइज गॉड, केवल एकमात्र सच्चा और बुद्धिमानी परमेश्वर। इंग्लिश में अगर आप इसे दोहराना चाहेंगे तो इंग्लिश में दोहराना है, हिंदी में दोहराना चाहे तो हिंदी में, लेकिन मुँह से अंगीकार करके बोलना और विश्वास जोड़ना उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। डियर हेवनली फादर, आई रिजॉइस इन यू, फॉर यू आर द ओनली ट्रू एंड वाइज गॉड। The blessed and only potentate, the King of Kings and Lord of Lords। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं तुझ में आनंदित हूँ क्योंकि तू एकमात्र सच्चा और बुद्धिमानी परमेश्वर है। तू सबसे आशीषित और सबसे शक्तिमान और बादशाहों का बादशाह और प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू फॉर मेकिंग माय लाइफ ब्यूटीफुल एंड फॉर क्राउनिंग मी विद विक्ट्री एंड सक्सेस all the days of my life। I thank you for receiving my worship, praise and thanksgiving, sanctifying them by your spirit। धन्यवाद हो तूने मेरे जीवन को सुंदर बनाया और जय का ताज पहनाया और सफलता का भी मेरे सारे जीवन भर के लिए। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरी आराधना, प्रशंसा और धन्यवाद देना स्वीकारता है। तेरे आत्मा के द्वारा तो इन बातों को शुद्ध करता है। यू आर मैग्निफाइड, इन माय लाइफ एंड योर ग्लोरी हैज इंक्रीज्ड इन माय लाइफ। तो मेरे जीवन में बढ़िया और ऊंचा है और तेरी महिमा मेरे जीवन में बढ़ती है। थैंक यू फॉर एन आउटस्टैंडिंग 2020 एंड फॉर योर ग्रेस दैट्स प्लॉटिंग मी into the great future you have for me। धन्यवाद हो तेरे अद्भुत 2020 में जो तूने हमें ये साल में दिया है, और तेरा अनुग्रह मेरे लिए बड़े भविष्य को नियोजित करता है जिसमें मैंने होना चाहिए तेरे द्वारा। आई थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। यू हैव गिवन मी
all I could ever want for an extraordinary life of glory, beauty, righteousness, and dominion. For this, I praise you with my whole heart and with my hands lifted in honor of your majesty. Hallelujah. मैं धन्यवाद करता हूँ जो कुछ तूने मुझे दिया है, सुंदर सा जीवन। तूने मुझे वह सब कुछ दे रखा है जो मेरे लिए असाधारण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। महिमा, सुंदरता, धार्मिकता और प्रभुता, और इसी के लिए मैं तेरा प्रशंसा करता हूँ सारे हृदय से और अपने हाथ ऊंचे पर उठाकर। तेरा मैं आदर करता हूँ सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, तू है। हालेलुया। आई वॉक इन डिवाइन विस्डम इन डीलिंग विथ द सर्कमस्टेंसेस एंड अफेयर्स ऑफ लाइफ। मैं ईश्वरीय बुद्धि में चलता हूँ और मेरी परिस्थितियों के साथ और व्यवहारों के साथ मेरे जीवन में ईश्वरीय बुद्धि से काम करता हूँ। माय आईज आर ओपन्ड टू सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज एज आई स्टे माय माइंड ऑन द वर्ल्ड। मेरी आंखें उन उपायों के लिए खुली है और संभवताओं को देखने के लिए मेरा मन तेरे वचन के ऊपर रहता है। आई थैंक यू फॉर पोजिशनिंग मी फॉर द ग्लोरी ऑफ ग्लोरी लाइफ। मैं उस तरह से रखा गया हूँ जहाँ महिमा जीवन होता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। योर ओवरवेलमिंग पीस गार्ड्स एंड रूल्स इन माई हार्ट एंड माइंड टूडे एंड ऑलवेज इन जीसस नेम, आमेन। तेरी शांति बढ़ती हुई उमड़ कर जो आती है मुझ में, वो मेरी सुरक्षा है, और तेरे नियम मेरे हृदय और मन के लिए आज और हमेशा शांति के लिए रक्षा है। यीशु के नाम में आमेन। यही बात हमने बोलकर दूर दूर तक ऊंची आवाज़ में इसे फैलाना है। मसीह में हमको ये बोलने के लिए ऊंची आवाज़ के लिए दिया जाता है। ये बाढ़ के समान हमने हवा के ध्वनि में इंटरनेट और छपाई के द्वारा मसीह की सच्चाई को फैलाना है, ऐसे पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमको समझाते हैं।
अब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। री बाखा ल रहा अहत गेंद बर्रखा ल रहा सा रदेन अह का बर्रखा ल रहा लहर अह को बोरखो बोरखोत आ ल रहा सा रैदान अह का बशहित एह ननमे के हिस्से रहत अह का बर्रखत आ ल रहा हसे के बर्र के सियान तु को बोरो रोदीन अह का बसियान तु को बोरखो ल रहा सियान दुरु रैदान अह का बशहित अह पकर ल रखा ल रहा सा रिदीन एक बिर्र खिल रहा अहतियान तु खम्ब रखन द रहा सा रिदान अह का बशक है नमा रखुत अहल रबी हा कुबर रखा सा लह कुबर रखा ल रहा हती तीन नम कहा सा लह कुतीन अह कताल अहल लब आसिया कुम तका ल रहा रिदान एक का बशहत इन नमिक ए सिखे ल रबा सा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।